अच्छा जी, github.com के बारे में तो पहले मैं बता दूं कि ये है क्या भला। कुछ लोगों को तो पहले से पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए। अच्छा, github.com जो है ना मेरे भाई, ये है डेवलपर्स का सोशल मीडिया। ठीक है जी, डेवलपर्स का ये सोशल मीडिया है, और आप सब लोगों ने, अगर किसी ने इस पे अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम क्या है जी, वो फ़ोटोज़ का सोशल मीडिया है। लोग फ़ोटोज़ डालते हैं उसके ऊपर आके। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ का सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम। अच्छा, फेसबुक जो है वो आम लोगों, एक कॉमन मैन का सोशल मीडिया है कि जी आप व्हाट इज़ इन योर माइंड आप लिखते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, फिर आप दोस्त आपके आते हैं वहाँ पे, जो वो आके उसको जो है ना लाइक वगैरह कर देते हैं, कॉमेंट्स कर देते हैं उस पर, अपना कुछ इजहार ख्याल कर देते हैं उस पर। तो ये एक सोशल मीडिया इस तरह का एक चल रहा है मार्केट में, फेसबुक है जो। लेकिन उस सोशल मीडिया के ऊपर ना, वो डेवलपर्स के लिए नहीं है। अच्छा, github.com जो है ना, ये डेवलपर्स के लिए सोशल मीडिया बनाया गया है। अच्छा, इस पर क्या होता है जी, डेवलपर इस पर आता है, अपना कोड शेयर करता है आगे, और अपना कोड जब डेवलपर इस पर शेयर करता है, तो जो भी लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं या उसके जो फ्रेंड्स होते हैं इस वाले सोशल मीडिया पे, वो आते हैं उस पर लाइक, कमेंट्स या शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, नाम इस पर डिफरेंट है कि जी, वो लाइक का नाम है इस पर स्टार, और वो शेयर का नाम है इस पर फोर्क, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकिन पता चल जाएगा कि क्या चीज़ क्या चीज़ है। अच्छा, और कमेंट्स का नाम है इस पर इशूज़, वो इशू क्रिएट करते हैं आप एक कि जी। तो इस पर नाम मुख्तलिफ है, चीज़ लेकिन वही हो रही है। अच्छा, तो जब भी कोड कोई डेवलपर लिखता है तो वो फेसबुक पे नहीं शेयर कर सकता। फेसबुक पे कोई कोड देखने नहीं आ रहा, फेसबुक पे लोग देखने आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है काइंड ऑफ वो। या अगर इंस्टाग्राम पे कोई आ रहा है तो वो फ़ोटोज़ देखने आ रहा है। वो उसको अगर इंस्टाग्राम पे अपने कोडिंग अपनी शेयर कर दी तो कोई भी नहीं देखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो बजाय ये नहीं, इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि जी वहाँ देखने कुछ और आया था, आप उसको कुछ और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिकेगा नहीं वहाँ। github.com एक ऐसा सोशल मीडिया है जहाँ पे लोग असल में कोडिंग देखने आते हैं। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं बिकेगी, इंस्टाग्राम वाला माल नहीं बिकेगा यहाँ। यहाँ पे बाकायदा कोडिंग लोग देखने के लिए आते हैं, और एक दूसरे का कोड यहाँ पे आके स्टडी करते हैं, उसके ऊपर कॉमेंट्स करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ पर मामला चल रहा है। अच्छा, तो हम सीख लेते हैं कि जी ये अभी इसको चलाते कैसे। यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोजिटरीज। अच्छा, रिपोजिटरीज इज़ नथिंग बट अ फोल्डर कि जी आप ये ना यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हो। ठीक है, ये देखो मेरे ना यहाँ पे इतने सारे फोल्डर्स बने हुए, हर फोल्डर में कुछ ना कुछ कोड है पड़ा हुआ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू, और न्यू करके ना एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं, आपके क्लास के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, SMIT चैटबॉट B3। ठीक है, और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। दिस रिपॉजिटरी विल कंटेन क्लास कोड। ठीक है, पब्लिक रखना है इस रिपॉजिटरी को, दैट्स इट। बाकी चीज़ों को हम चेंज नहीं करते, जैसे जस्ट नाम और डिस्क्रिप्शन लिखी है हमने, और क्रिएट का बटन दबा दिया। ठीक है जी, अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनकर आ गया। अब अगला काम मैंने क्या करना है। अच्छा, ये सब आप लोगों ने अपने हाथ से भी, इसको हैंड्स ऑन करके भी देखना है, लेकिन पहले इसको समझ लें जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे या घर जाके जब भी आपको मौका मिलेगा इसको हैंड्स ऑन करना है। इस क्लास के आखिर में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा छोटा सा इसी से मुतालिक, तो वो आपने नेक्स्ट क्लास में शो करना है मुझे। अच्छा, अब ये वाली जो रिपॉजिटरी है ना, इस ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को मैंने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में लेकर आना है। अच्छा, कैसे मैं लाऊंगा, ये जो URL यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक बटन भी बना हुआ है, इसको दबाने से भी कॉपी हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको दबा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंप्यूटर में आके टर्मिनल खोलूँगा। ठीक है जी, ये टर्मिनल ओपन हो गया। अच्छा, ये मेरे पास मैक मशीन है, तो इस पर ये टर्मिनल के नाम से होता है। विंडोज़ मशीन पर यही चीज़ कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से होती है। तो CMD आप ओपन कर लेंगे अगर आप विंडोज़ पे हैं, और अगर आप मैक या लिनक्स पे हैं तो आप टर्मिनल, एक ही चीज़ है, नाम अलग है। विंडोज़ के ऊपर लिनक्स की कमांड लाइन अगर उबंटू
ये कौन सा मतलब? विंडोज टर्मिनल पे जो सिस्टम आता है कि हाँ आप लिनक्स की कमांड लाइन, मतलब कि अगर लिनक्स सिस्टम यूज नहीं कर रहे तो कमांड लाइन लिनक्स की यूज करके काम जैसे बैश अगर आपने विंडोज पे इंस्टॉल किया हुआ है। नहीं मगर फिर भी टर्मिनल थोड़ी लिखोगे आप, लिखोगे तो सीएमडी आपने, क्योंकि वो असल में मसला ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। मिसाल के तौर पे अब इसकी कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे इसमें ls करके लिखते हैं हम जी। तो वो लिस्ट आती है, उसमें dir लिखना पड़ता है, तो वो अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट है ना। और एक ही मतलब कोई ये चक्कर नहीं है कि कोई एक काम इसमें नहीं होता या उसमें नहीं होता, हो दोनों में जाता है, काम सारे दोनों में होते हैं, करने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा वेल ये आपने टर्मिनल खोल लिया, अब यहाँ पे ना मैंने लिखा गेट माइनस माइनस वर्जन। अच्छा ये मैंने क्या करने के लिए लिखा, ये मैंने ये चेक करने के लिए लिखा कि मेरे पास इस वक्त जो है गिट का वर्जन मेरे कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसने कहा कि जी 2.39.2। आप जब ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा कि जी अगर विंडोज़ पे आप हैं तो नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि गिट आपके पास बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है विंडोज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा लिनक्स या मैक अगर होगा तो उसके ऊपर ये पुराना वर्जन आ रहा होगा, लिनक्स पे मैक पे पहले से इंस्टॉल होता है, बट वो जो ओरिजिनली यानी जिस वर्जन के साथ जाहिर है वो रिलीज़ हुआ है वो वाला वर्जन होता है, लेटेस्ट नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने अलग से गूगल पे टैब खोलना है, उस पर जाके लिखना है गिट। गिट हब नहीं लिख रहा मैं इस बार मैं लिख रहा हूँ गिट। ये है गिट का वो सॉफ्टवेयर जो आपकी मशीन में इंस्टॉल होता है, आप इस पे चले जाते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा ये गिट का सॉफ्टवेयर जो है ना, यहाँ पे देखें डाउनलोड फॉर मैक लिखा हुआ रहा है, आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है अगर आप विंडोज़ की मशीन पे, और अगर यहाँ पे ना लिखा हुआ है तो इसमें एक ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आप जाके ना जो भी अवेलेबल इसमें है, इसमें कहाँ पे आ रहा होता है यार, ये मेरे ख्याल ये वाला ऑप्शन होता है। हाँ ये यहाँ पे नहीं, सारे आ गए। अच्छा विंडोज ही इसमें आ रहा है। वेल तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए मौजूद है। बहरहाल अब जब आप लिनक्स से इसको विजिट करेंगे तो लिनक्स लिखा हुआ आएगा, विंडोज़ से करेंगे तो विंडोज़ आएगा। मेरे पास यहाँ पे मैक लिखा हुआ है क्योंकि इस वक्त मैं मैक मशीन पे हूँ, इसको मैं क्लिक करूँगा। और अच्छा मैक ओएस पे ज़ाहिर है चीज़ें थोड़ी कमांड लाइन से चलती हैं लिनक्स की तरह, लिनक्स से थोड़ा रिजेम्बलेंस होता है, लेकिन विंडोज़ पे क्या होगा जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो एक एग्जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप मैक मशीन पे हैं तो ये कह रहा है ब्रू से आप इंस्टॉल कर लो इसको। ठीक है, होम ब्रू इसका एक कमांड लाइन टूल होता है जिसके ज़रिए इंस्टॉल होता है। अच्छा अगर आप लिनक्स के ऊपर होंगे तो आपको ये बोलेगा कि जी आप ना उससे कर लो, apt get से कर लो, apt get उसमें कमांड लाइन टूल है उससे होता है। ठीक है, तो मैंने ब्रू चला दिया ज़रा, ताकि वो मेरे पास भी वर्जन ना थोड़ा सा पुराना आ रहा था, 2.39 आ रहा था ना मेरे पास, अभी जो है वो यहाँ पे 2.41 हुआ हुआ था। ठीक है, 2.41 था, तो मैंने कहा लगे हाथों मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, अब मैं जब चलाऊंगा माइनस माइनस वर्जन तो आप देखें 2.41 अब मेरे पास वर्जन हो चुका है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्लियर की कमांड चला देता हूँ, विंडोज़ में ये कमांड है CLS, क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मेरे पास मेरी मशीन में गिट का जो इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल हो गया है। ये सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल करना होता है ज़िंदगी में, दोबारा आपको ये इंस्टॉलेशन वाला काम दोबारा नहीं करना। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के कोई वर्जन जैसे चेंज हो जाए। अच्छा अब आपने क्या करना है, गिट क्लोन, ये कमांड आपने याद रखनी है। अच्छा ये पहली कमांड है गिट की जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये थोड़े दिनों में आपको याद हो जाएगी, जैसे मुझे याद है इसी तरह आपको भी याद हो जाएगी। तो ये टोटल चार कमांड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो आपने जो है ना देखना है। अच्छा गिट क्लोन के बाद ना वो यूआरएल पेस्ट कर दिया मैंने, अच्छा वो यूआरएल पेस्ट से हट गया है। तो गिट क्लोन के बाद कौन सा यूआरएल चाहिए मुझे, जो मैंने रिपोजिटरी अभी अभी बनाई है इसका यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक मैं गड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन, कि मैं इस वक्त जो है ना किसी गलत फोल्डर में मौजूद हूँ, मैं इस वक्त मुझे जाना है CD डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ ना मैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे पहले चला जाता हूँ मैं इस वक्त अब डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आके मैं वो कमांड चलाता हूँ, ताकि अच्छा जिस जगह पे मैं मौजूद होऊंगा वो उसी जगह पे क्लोन डाउनलोड होकर आएगा या उसी जगह पे क्लोन होकर आएगा,
गिट क्लोन और ये मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब देखें ये फोल्डर एक बना हुआ आ गया मेरे पास डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब ये फोल्डर बना हुआ आ गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने सी डी करके इस फोल्डर के अंदर जाना है, एस एम करके मैं टैब दबा रहा हूँ, ठीक है। पूरा नाम लिखने के बजाय अब सिर्फ दो वर्ड शुरू के लिख दें, दो कैरेक्टर, एंटर किया। अब मैं कहाँ जा चुका हूँ, इस फोल्डर के मैं अंदर जा चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है अगला काम, सी डी से, सी डी चेंज डायरेक्टरी, सी डी स्पेस और फोल्डर का नाम, ये लिखा है ना कमांड, देखें सी डी स्पेस और फोल्डर का नाम। अच्छा, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ किसी मतलब इस फोल्डर में मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या बनाना है, एक अदद टेक्स्ट फाइल एक बनाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, काम क्या क्या करने जा रहे हैं, एक हमने फोल्डर बना लिया वहाँ पे github.com पे। अच्छा, उस फोल्डर का नाम है रिपॉजिटरी, तो मैं अभी फोल्डर कह रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली हम इसको रिपॉजिटरी कहा करेंगे। तो हमने काम करना क्या है वो ज़रा समझ लें। github.com पे एक रिपॉजिटरी बनाई है हमने, उस रिपॉजिटरी को क्लोन करके डाउनलोड करके मैं अपने कंप्यूटर में लेकर आ गया। अच्छा, यहाँ पे लाने के बाद अब मैंने क्या करना है, उस फोल्डर में एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, या एक टेक्स्ट फाइल बना के उसको वापस गिटहब में पुश करना है। ये हमारा अल्टीमेट अभी तक गोल है जो हमने अभी करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को जिनको ये गिट पहले से आता है उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई प्लीज़ बेयर विथ मी, ताकि जो है ना हम इंशाल्लाह आपको भी साथ लेके चलेंगे। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ये नोट कीजिएगा, मैं इस फोल्डर के अंदर अपनी, ये जो फोल्डर है ना ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये इस फोल्डर को हम कह रहे हैं रिपॉजिटरी। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर आके ये मैं कमांड चला रहा हूँ कोड स्पेस डॉट। अच्छा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, इस फोल्डर को जब मैं ओपन करता हूँ, इस फोल्डर का नाम है SMIT चैटबॉट बैच 3। तो इस फोल्डर में आप देखें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं हिडन फाइल्स शो करता हूँ ना, ये मैंने शॉर्टकट लिखा है हिडन फाइल शो करने का, तो आप देखें यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है जो कि हिडन है। अच्छा, तो जहाँ पे ये डॉट गिट बना हुआ है ना, ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये है गिट की रिपॉजिटरी। अच्छा, अब ये गिट की रिपॉजिटरी का क्या चक्कर है, इस फोल्डर में कभी भी आपने एंटर नहीं होना, ये जो डॉट गिट का हिडन फोल्डर बना हुआ है ना, इसमें कभी भी आपने एंटर नहीं होना, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है अपने हाथ से, ठीक है। ये फोल्डर जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई द सॉफ्टवेयर जो आपकी मशीन में इंस्टॉल है, गिट का सॉफ्टवेयर जो अभी अभी हमने इंस्टॉल किया है, वो सॉफ्टवेयर इस फोल्डर को कंट्रोल करता है और इसके अंदर कुछ इंटरनल डिटेल्स सेव होती हैं इस रिपॉजिटरी से मुतालिक। तो क्योंकि इसमें ये डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब है ये फोल्डर कोई आम फोल्डर नहीं है, ये एक गिट की रिपॉजिटरी है। अच्छा, तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इसमें मिलेंगी, वो मुझे कोई आम फोल्डर जो होगा उसमें नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ एक कोड एडिटर में या एक टेक्स्ट एडिटर में, इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट एडिटर मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, तो आपके पास जब ये कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ये VS कोड इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे अलग से जाके VS कोड लिखूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक विजुअल स्टूडियो है वो अलग है, ये VS कोड है। विजुअल स्टूडियो जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, वो पर्पल है, वो नहीं करना हमने, ठीक है। ये पर्पल वाला ये हमने नहीं करना है, हमने करना है VS कोड जो ये ब्लू वाला है। नहीं, देखें वो है विजुअल स्टूडियो, ये है विजुअल स्टूडियो कोड, ये उसका शॉर्ट वर्जन है, शॉर्टर वर्जन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है कि जी डाउनलोड फॉर मैक, और उसके अलावा ये जितने प्लेटफॉर्म है सबका नाम लिखा हुआ रहा है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। और वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मे बी आपको, अगर विंडोज़ मशीन पे है तो आपको अपनी मशीन को रीस्टार्ट करना पड़े, ठीक है, बिफोर के आपको ये कमांड ये आप चला पाएँ, है ना। हो सकता है वो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होने के बाद भी आप ये रिपॉजिटरी के अंदर जाके जब आप लिखें ना ये वाला कोड स्पेस डॉट, तो हो सकता है ये कमांड इसको ना मिले, तो इसका मतलब है आपको फिर कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी ना मिले तो उसको गूगल कर लीजिएगा जी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट होता है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से असल में आ रहा होता है। अच्छा जी, तो ये मैंने कोड स्पेस डॉट करके ना इसको इस कोड एडिटर में खोल लिया। अच्छा, ये कोड एडिटर की अभी फ़िलहाल कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि हमने अल्टीमेटली इसी को यूज़ करना है इसलिए मैंने इस पर ओपन किया है। अच्छा जी, VS कोड के ऊपर क्या होता है कि है तो ये टेक्स्ट एडिटर,
जैसे सारे टेक्स्ट एडिटर हो, जैसे नोट पैड होता है, जैसे नोट पैड प्लस प्लस होता है, जैसे आपका जो है ना हाँ सबलाइम टेक्स्ट वगैरह होता है, तो दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर, उससे कुछ ज़्यादा नहीं है ये। बट इसमें कुछ ऐसे ऐसी फीचर्स, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ इन्होंने ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोडिंग करने में आसानी होती है, इसको कोडिंग के लिए बनाया गया है, तो इसलिए कोडिंग करते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ें जो इसमें ऐड की गई हैं जो कोडिंग में हेल्प आउट करती हैं, वो जब हम कोडिंग करेंगे तो एक एक करके हम वो देखेंगे कि जी ये काम इसमें हो जाता है, ये सादा वाले नोटपैड में ये काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक बटन छोटा सा बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू फाइल। अब मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया, मैंने कहा जी के माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, एक अदद टेक्स्ट फाइल बना ली, और यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ कि भाई दिस इज़ सम टेक्स्ट डेटा, कोई भी मैंने बात लिखी यहाँ पे, और इसको सेव कर दिया। अब ये वाली जो फाइल है, अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया, github.com पे एक रिपोजिटरी बनाई है, उसको क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है उस रिपोजिटरी में, चाहूँ तो मैं हाथ से भी बना सकता था, बट मैंने एडिटर में खोल लिया, तो अगर एडिटर आपके पास नहीं है तो वैसे ही राइट क्लिक करके न्यू फाइल करके बना लें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ये फाइल मेरी बन गई है, अब इस फाइल को मैंने वापस github.com पे भेजना है। वापस github.com पे भेजने के लिए मैं अगेन अपनी रिपोजिटरी के अंदर, जो मेरी रिपोजिटरी है, उस रिपोजिटरी के फोल्डर में मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने अब कुछ कमांड्स लिखनी है, जो कि टोटल 3 कमांड हैं, तो उससे जो है ना ये वाला ये कोड सारा का सारा वापस github.com पे जाके पुश हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, गिट स्पेस डॉट, ठीक है, ये एस्टेरिक भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है, डॉट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, गिट स्पेस डॉट का मतलब, सॉरी, गिट ऐड था, गिट ऐड और डॉट था, ठीक है, गिट ऐड और डॉट था, सिर्फ गिट डॉट नहीं था, ठीक है, ये मैंने लिखा, कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कमांड सही चल गई है। अच्छा, अब अगली कमांड क्या है, अगली कमांड है गिट कमिट माइनस एम और मेरा एक मैसेज। अच्छा, अब ज़रा समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा है मैंने, ये जो मैंने कमांड लिखी है, ये मैंने क्या कमांड लिखी है, अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, GitHub के साथ जब हम काम करते हैं, Git और GitHub के साथ, तो जब हम थोड़ा थोड़ा कोड लिखते जाते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका होता है कि जी कंट्रोल एस दबा के हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें तो क्या होता है, हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती, बल्कि अब उसमें भी होती है, जो आप अगर गूगल ड्राइव पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो या एक्सेल की शीट है, गूगल शीट वाली एक्सेल की शीट, तो उस पर क्या होता है, जब जब आप कंट्रोल एस दबाते हैं, वो एक हिस्ट्री मेंटेन करता है, आप उस पर बैक भी जा सकते हैं, ठीक है, तो अब तो वो हो जाता है। वेल, तो इसमें क्या होता है, जब आप एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप कमिट कर देते हैं, कमिटमेंट कर देते हैं कि जी यहाँ तक मेरा ये काम हो गया, और साथ में ये माइनस एम के साथ ना मैंने एक मैसेज लिखा है, ये आपकी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज हो सकता है, तो मैंने लिखा है गिट कमिट माइनस एम और ये कुछ एक बात लिख दी, तो ये कमिट हो गया। अच्छा, इस कमिट में हम हिस्ट्री में पीछे भी जा सकते हैं, जब जब मैं ये कमिट करूँगा, एक हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, और इसका ये मैसेज जो है ना, ये मुझे दिख रहा होगा साथ में, और मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी मिसाल के तौर पर मैंने आज के दिन में 3 कमिट किया, फिर कल 3 किया, फिर उसके बाद मैंने 2 कमिट किया, तो टोटल मेरे 3 और 3 6 और 2 8 कमिट हो गए। अब मैं अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मैं चाह रहा हूँ यार, मैं देखूँ यार मैंने फ़लाँ तारीख को ये कोड किस कंडीशन में था, तो मैं उस हिस्ट्री में पीछे आ सकता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे आते हैं वो अभी हम नहीं देखते, लेकिन अभी हम ये कमिट करना देख लेते हैं। अच्छा, कमिट किए बगैर इसको मैं github.com पे वापस पुश नहीं कर सकता, ये ज़रूरी है। अच्छा, कमिट जब आप करेंगे पहली दफ़ा, तो आपके पास आएगा एक अदद एरर, ठीक है, मेरे पास एरर नहीं आया, लेकिन आपके पास एक एरर आएगा। उसका रीज़न क्या होगा कि जी गिट जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं, तो आपको अपनी मशीन में उसका ईमेल और उसका नेम सेट करना होता है, ठीक है, तो वो कहेगा जी कि आपका ना नेम सेट नहीं है, और साथ में वो एग्जाम्पल के तौर पर ना 2 कमांड आपको ऐसे बना के देगा, ठीक है, 2 कमांड आपको लगा के देगा, तो आपने वो कमांड एज इट इज़ चला देनी है। बल्कि मैं आपको कोशिश करता हूँ गूगल करके दिखा दूँ, गिट, हाँ मैं आपको अगर दिखा पाऊँ वो, Thank you.
हाँ कुछ इस तरह से ये एरर आ रहा होता है ना। ये देखो इसने कमिट की कमांड चलाई है यहाँ पे, ये देखो। तो इसने बोला भाई प्लीज़ टेल मी हु आर यू, रन दीज टू कमांड्स। ये दो कमांड असल में ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कमांड्स हैं। तो क्या है कमांड, ये गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ई मेल, और उसके बाद डबल कोटेशन में ना आपकी ई मेल, इसने तो यू डॉट एग्जाम्पल लिखा है ना, इसमें आपकी ई मेल, और फिर नीचे आप देखें माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ई मेल की जगह यूज़र डॉट नेम। तो ये दो अलग अलग कमांड है, ये दोनों आपने अलग अलग चलानी है, लेकिन ये आपने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा चलानी है। यानी इंस्टॉलेशन के बाद आप ये एक दफ़ा चला देंगे तो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा ये, ठीक है। इवन मैंने अभी अपडेट किया फिर भी मुझसे इसने दोबारा नहीं पूछा, और यहाँ पे फिर आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये दोनों कमांड जब आप चला देंगे तो ये आपके पास दोबारा आपसे ये बात नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये दोनों कमांड चलाने के बाद फिर आप जब कमिट करेंगे, ठीक है, अभी तो मैंने कमिट किया तो ये डायरेक्ट हो गया ना आपके पास, तो क्योंकि एरर आ गया था कमिट में पहली दफ़ा। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों कमांड चलाने के बाद जब कमिट करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट को ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एक तो सम कोड जो मैंने मैसेज लिखा था वो आ गया, वन फाइल चेंज्ड वन इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब है कि एक लाइन इसमें ऐड हुई है, और क्रिएट मोड पर ये कमिट हुआ है, और इसका हैश इसने बना के दे दिया मुझे कि जी ये आपके कमिट का ना एक यानी यूनिक आइडेंटिटी एक बना के दे दी मुझे इसने। तो ये यहाँ तक मेरा कितने कमांड चल गया, गिट ऐड डॉट और गिट कमिट, ये दो हो गया। अच्छा तीसरा कमांड जब मैं चलाऊँगा तो ये पुश हो जाएगा। तीसरा कमांड किया जी गिट पुश एंटर, सही है। अच्छा ये क्या मांग रहा है मुझसे, अच्छा ये मुझसे जो ना वो मांग रहा है मतलब मेरे मशीन में ना एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मांग रहा है मुझसे, क्योंकि ये अभी अपडेट हुआ है तो इसको एक्सेस नहीं है उन चीज़ों का। जैसे विंडोज़ में अचानक वो डिम करके खुल जाता है ना, वो कहता है अलाओ और डिस अलाओ वो वाला, तो ये वो चीज़ खुली है। तो मैंने ऑलवेज अलाओ कर दिया तो ये फिर दोबारा मुझसे नहीं पूछेगा, ठीक है जी। इसने कहा जी ये कि इस वाले यू आर एल पे ना ये आपका जो कोड था वो सारा का सारा वो पुश हो गया। इसके आउटपुट पर अगर आप और करेंगे तो ये काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स 3 out of 3 और ये राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये असल में प्रोग्रेस की तरह चल रहा होता है, ये वन से शुरू होता है, लेकिन ये क्योंकि बहुत थोड़ा सा कोड था तो वो फ़ौरन पुश हो गया, हमें पता नहीं चला। तो यहाँ से ये इसने बोला है कि जी पुश हो गया ये। अब हम जाके ज़रा github.com पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा कोड जो है वो पहुँच चुका है, myfile.txt यहाँ पे पहुँच चुका है। और यहाँ पे आप देखें इस रिपोजिटरी के अंदर टोटल 1 commit ये दिखा रहा है, ठीक है। अभी तक क्योंकि हमने एक ही कमिट किया है, अब एक कमिट है तो हिस्ट्री में पीछे जाने का अभी सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली हम जब बाद में इसमें मज़ीद कमिट्स करेंगे तो हम हिस्ट्री में पीछे जाके ना किसी भी कमिट पे कोड को ब्राउज़ कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए और कोड के कमांड लाइन के ज़रिए भी। अच्छा जी तो यहाँ तक सब लोगों को ये समझ आ गया, ठीक है। कमांड्स मैं यहाँ पर ज़रा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये GitHub की जो रिपॉजिटरी है क्योंकि ये पब्लिक है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके ईजिली इस रिपॉजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि क्लोन, सही है, स्टेप वन जो था वो क्लोन था, ठीक है। और इसकी जो कमांड है वो क्या है, गिट क्लोन और आपका URL, सही है। URL मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, गिट क्लोन to clone a repo in your machine, ठीक है, ये हो गया जी। नंबर दो, अब क्या करना था जी इसके ऊपर, हमें क्लोन हो गया ये, गो टू रेपोजिटरी फोल्डर, ठीक है, cd स्पेस, और मिसाल के तौर पे मैं ये नाम लिख देता हूँ फ़िलहाल पूरा, 3 ओपन इन कोड एडिटर कोड स्पेस डॉट, सही है। नंबर 4 क्रिएट अ फाइल, मे बी क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, राइट सम टेक्स्ट इन इट, अच्छा जी। उसके बाद टू ऐड
अच्छा इसको ना असल में कहते हैं स्टेज, ठीक है, टू स्टेज, इसमें लिखूंगा टू स्टेज, गेट एड डॉट, सही है, ये कमांड आ गई गेट एड डॉट। ये इस प्रोसेस को ना गेट एड जो हम कर रहे थे इसको असल में कहते हैं स्टेज करना। अच्छा टू कमिट, गेट कमिट माइनस एम योर मैसेज, गेट पुश, ये सारी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अच्छा अब ये सारी कमांड लिख दी है मुझे, इसको दोबारा क्या करना है, गिटहब में पुश करना है। अच्छा क्लोन आप नोट करें, मैंने क्लोन एक दफ़ा किया है, वो मेरे पास मौजूद है, थोड़ी सी एडिटिंग की मैंने उसमें, पुश किया दोबारा, थोड़ी सी एडिटिंग अब मैंने मज़ीद कर दी है, अब मैं सेकंड कमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से होगी कहानी, शुरू वहीं से होगी दोबारा, यानी इतना पार्ट जो है ना मेरा, ये वाला पार्ट जो है ये रिपीट होगा, बाकी ऊपर वाला पार्ट अब मज़ीद रिपीट नहीं होगा। जब जब मैं कोई इसमें चेंजेस करूँगा तो मैं कहूँगा गेट एड और डॉट, सही है, गेट कमिट माइनस एम सेकंड कमिट लिख दिया मैंने, इस बार जो मैसेज लिखा है सेकंड कमिट लिखा है, ठीक है जी, एंड गेट पुश एंटर, ठीक है जी, ये पुश हो गया। अब ये पुश हो गया तो यहाँ जाके देख लेते हैं जी कि ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब मेरे पास टोटल दो कमिट दिख रहे हैं मुझे, और टेक्स्ट फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो उसमें मुझे अप टू डेट वो चीज़ दिख रही है जो मैंने अपनी मशीन से लिखी थी। अच्छा जी, तो हमने आज क्या सीख लिया, github.com पे रिपॉजिटरी बनाना, उसको अपनी मशीन में लेकर आना, उसमें कुछ कोड लिखना या कुछ फाइल बना के उसको वापस github.com पे भेजना। अच्छा अब इतना काम करने का मतलब ये है कि आज से, अच्छा इतना एक रिपॉजिटरी तो आप सब लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखानी है बना के ना, एक रिपॉजिटरी। अच्छा जिन लोगों की बनी हुई है वो देख ली है मैंने, वो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन है कि जी ये काम आपने लाजमी करना है। और रीज़न कि आज से ऑनवर्ड्स हम जो भी कोडिंग इस क्लास में करेंगे, जो भी टास्क आपको इस क्लास में मिला करेगा, वो टास्क बना कर आप मुझे ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप इधर पुश करेंगे github.com पर और उसका URL आप मुझे देंगे, अपनी रिपॉजिटरी का URL आप मुझे दिया करेंगे कि जी सर ये मैंने रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है। अच्छा और साथ में आप क्या करेंगे, इसमें देखें क्योंकि ये सोशल मीडिया है ना, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉलो का बटन आ रहा होता है, अभी तो मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मैं खुद ही लॉग इन हूँ लेकिन किसी भी, आप ये मेरे फॉलोअर्स पर चला गया ना मैं, तो अब देखें रैंडमली मैंने किसी बंदे की ये खोली है, ऐप खोला है प्रोफाइल, तो देखें इस पे फॉलो का बटन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे को फॉलो कर लें, जब आपका अकाउंट बन जाए तो आप अपने दोस्तों को, जब ज़ाहिर है यहाँ पे आप जब शेयर करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे शेयर करते हैं, तो वो आपका URL ना सबको दिख रहा होगा, तो आप क्या करें सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर लें। अच्छा और मुझे भी फॉलो कर लें, ठीक है। अच्छा उससे होगा क्या, अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे github.com पे तो जब भी मैं कोई नई रिपॉजिटरी बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा या इस क्लास में या किसी भी क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई मैंने पब्लिक कोड डाला है github.com पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे एक तरह से। अच्छा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा जी आप सब लोगों ने जो गिट हब और गिट का जो इस्तेमाल करना है वो इसी तरह से करना है टर्मिनल से जैसे मैंने बताया। इसके अलावा भी कुछ तरीक़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा तरीका है, लेकिन वो आपने करना नहीं है।
अच्छा पहले तो URL सामने लिखा हुआ आ रहा था ना इस पे, अब देखें आप ये ग्रीन वाला बटन है ना, अब URL इसके अंदर चला गया, ये URL यहाँ पे आ रहा है, मतलब ज़ाहिर है एक दफ़ा तो क्लोन कर लिया, किसी और मशीन में क्लोन करना होगा तो आप यहाँ से करेंगे इसको ना, इस जगह से आप करेंगे, लेकिन साथ साथ ना इसमें देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड ज़िप, आपने ये नहीं करना है, अगर कोई भी ये डाउनलोड ज़िप कर रहा होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डाउनलोड ज़िप में प्रॉब्लम क्या होगी कि वो आ तो जाएगा आपकी मशीन में, लेकिन उसमें ये कमिट वगैरह, ये ऐड, ये पुश, ये सब नहीं होगा, जो कि एक्चुअल फ़ीचर है गिट का, गिट और गिटहब का, वो आप मिस कर जाएंगे। अच्छा इसी तरह गिटहब डेस्कटॉप जो है ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए इन्होंने ख़ास तौर पर ये बनाया है, ये अच्छा मैं नॉन टेक्निकल इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये भी टेक्निकल है अच्छा खासा, लेकिन गिटहब डेस्कटॉप आपने यूज़ नहीं करना है। गिटहब डेस्कटॉप भी तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज़ पे, तीनों पे चल जाता है। उसके अलावा गिटहब डेस्कटॉप के अलावा भी सॉफ्टवेयर हैं थर्ड पार्टी, जैसे कि स्मार्ट गिट बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं ख़ुद भी उसको यूज़ करता हूँ, लेकिन आपने इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने टर्मिनल पर इसको इस्तेमाल करना है। अब उसका रीज़न भी समझ लें क्या है, देखें गिटहब डेस्कटॉप जो है ना ये है तो अच्छा और है भी ऑफिशियल, लेकिन गिटहब डेस्कटॉप में बाज़ औक़ात जब कमिट वगैरह हो रहा होता है ना तो आपको आइडिया नहीं होता, तो शुरू में कुछ अरसे तो एटलीस्ट आप इसको अवॉइड करें। अच्छा लेकिन अल्टीमेटली बिना आप गिटहब डेस्कटॉप को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। आम तौर पे अभी हम इंशाल्लाह सर्वर वगैरह लिखेंगे जब सब चीज़ें, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है जो सर्वर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो लिनक्स चल रही होती है वो हेडलेस होती है, वो हेडलेस का मतलब कि उसमें डेस्कटॉप नहीं होता, माउस कर्सर वर्सर नहीं होता उसमें, उसमें टर्मिनल होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो लोड कम से कम उस पर डाला जाए ये वाला, क्योंकि जो यानी लिनक्स का जो यूआई वाला पार्ट है अगर हम उसको हटा देते हैं तो कम से कम 800 एमबी का वो पार्ट है वो माइनस हो जाता है, हार्ड ड्राइव की स्पेस बच जाती है। अब अगर एक रैक लगा हुआ है उसमें 20 मशीनें हैं ऊपर से नीचे तक और ऐसी 50 अलमारियाँ लगी हुई हैं, तो आप देखें ना 800 एमबी करके कितनी हार्ड ड्राइव का कितना स्पेस बच गया मेरा। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो टर्मिनल वाला एनवायरनमेंट होता है। इवन आप गूगल क्लाउड पे या AWS का भी क्लाउड हो ना, जो टेनेंट क्लाउड कहते हैं या किराए पे जो हम लेके इस्तेमाल करते हैं, या ख़ुद का भी आप लगाएंगे अल्टीमेटली, तो वो आप क्या करेंगे, अगर तो बिल्कुल ही एक मशीन है तो उसमें डेस्कटॉप कर लेगा बंदा, विंडोज़ कर लेगा, विंडोज़ सर्वर, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा क्वान्टिटी में आप मशीनें लगाते हैं, आप बाकायदा जब सर्वर बनाते हैं तो वो लिनक्स में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह पहले से बने हुए हैं, फायरवॉल वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन आप रेडीमेड आपको मिल जाती है लिनक्स की, तो वहाँ पे ना टर्मिनल होता है। अगर आपको टर्मिनल वाला गिट नहीं आता होगा तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे, वहाँ पे क्लोन भी टर्मिनल से करना है, या तो चलो मैंने कोड एडिटिंग करने के लिए मैंने VS कोड खोल लिया, वहाँ पे कोड एडिटिंग भी आपको विम करके एक एडिटर होता है जो टर्मिनल पे ही चलता है, उस पे आपको करनी होती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि टर्मिनल आप हमेशा ये गेट आप हमेशा ये टर्मिनल वाला इस्तेमाल करें, एटलीस्ट पुश और पुल करने का जो काम है ना, ये कमिट वगैरह करने का काम है वो आप इससे करें, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए इसके ऊपर। कल को अगर आपको लिनक्स पे करना पड़े कुछ इस तरह का, तो आपके लिए कोई नई बात ना हो कि जी ये क्या, मुझे ये क्या हो गया, ये तो सारा टर्मिनल पे आ गया, ठीक है जी। तो इस वजह से ये सवाल समझ आ गया, और किसी का कोई क्वेश्चन है दोस्त तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं फर्स्ट स्टेप्स नहीं करना होगा, देखो मैंने चेंजेस किए ना अभी, चेंजेस करके जो मैंने चेंजेस करके मैंने दोबारा से कमिट किया, दोबारा से उसको पुश किया, तो आप अभी करो या 10 दिन बाद चेंज करो ये यही होगा। मतलब अगर इसके अंदर जैसे एक टेक्स्ट फाइल है, एक मैं चाहता हूं पाइथन की कोई फाइल .py एक्सटेंशन, कोई भी फाइल हो, फाइल का एक्सटेंशन मैटर नहीं करता, वो सारी होती असल में वो होती सारी टेक्स्ट फाइल ही है, चाहे वो .py हो चाहे वो .js हो, होती सारी टेक्स्ट फाइल ही है, सही है। इसको मैं MD कर दूंगा ना, .md कर दूंगा इसको मैं मार्कडाउन, तो भी ये टेक्स्ट फाइल रहेगी ना, ठीक है। MD से ये होता है वो गिटहब में ज़रा वो सीधी होकर नज़र आ जाती है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैंने चेंजेस कर दी, फाइल का नाम चेंज कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा इधर टर्मिनल पे। अच्छा वो मैंने मिस कर दिया। अच्छा एक और चीज़, मज़े की बात, अच्छा हुआ टर्मिनल बंद हो गया, ये बात निकल आई।
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी वी एस कोड के अंदर आप कंट्रोल प्लस बैक टिक दबाएंगे ना तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी में रिपोजिटरी में खुलता है। आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये उसी में खुलता है, कंट्रोल प्लस बैक टिक, एस्केप के बटन के नीचे अलिफ मद्दा वाला जो बटन है ना वो, यानी वो बैक टिक का बटन है। दिखा देता हूँ आपको, ये जो बटन है ना आपका, ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये हाइफन आता है अलिफ मद्दा जो है, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो ये बैक टिक कहलाता है। ठीक है, तो कंट्रोल और साथ में बैक टिक, सही है, कंट्रोल को होल्ड करके और बैक टिक दबाएंगे आप तो इसी से ये खुलता भी और इसी से बंद भी होता है। ठीक है, तो आप इसको बस खोल के जो है ना यहाँ पे कमांड जो सारी उधर लिखते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये कोई अपना टर्मिनल नहीं है इसका, ये उसी को इसने यहाँ पे फ्रेम में खोला हुआ। तो यहाँ पे मैंने गिट ऐड और डॉट किया, गिट कमिट माइनस एम। अच्छा, मैसेज लिखना मैंडेटरी होता है कि हर कमिट के साथ ना मैसेज आपने देना ज़रूर है, अदरवाइज़ वो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि इसमें काम किया क्या है आपने। मैसेज में भी आपने बात वो लिखनी है जो काम आपने अभी किया है। ठीक है, वो बात आपने, हाँ हाँ, तो चेंज्ड फाइल टाइप टू मार्क डाउन। ठीक है, एम डी स्टैंड फॉर मार्क डाउन, और मैंने कहा कि जी गिट और पुश। ठीक है, अब मैं जाऊंगा ना तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, वो यहाँ पे ना होपफुली वो दिख जाएगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, वीएस कोड में था जो हमारा रिपोजिटरी फोल्डर है उसके नीचे आपने वन फाइल अभी बनाई है, हाँ, इसमें ना आप 3 to 4 files क्रिएट कर देंगे अलग अलग एक्सटेंशन की, हाँ, जितनी भी फाइलें क्रिएट कर दे, अभी तो करेंगे हम इंशाल्लाह, तमाम फाइल एक साथ। वो गिट, वो जो मैं लगा रहा हूँ ना यहाँ पे गिट ऐड डॉट, वो गिट ऐड जो डॉट मैं करता हूँ ना, इसका मतलब होता है कि सारी फाइलों को ऐड कर दो। अच्छा, अगर मुझे कोई एक फ़ाइल ऐड करनी है सिर्फ, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पे उस फाइल का, जैसे मुझे करना है ना माई फाइल डॉट एम डी, मैंने कहा गिट ऐड, आप देखें इसको गौर से, ये मैं क्या कमांड लिख रहा हूँ। अब मैं इसमें लिखूँगा गिट ऐड और ये आ क्यों नहीं रहा, कोई भी बहरहाल फाइल है इसमें, असल में शायद मैंने इसको ऐड कर दिया इसलिए नहीं आ रहा ये। पता नहीं टैब में आ नहीं रहा, हाँ मेरा ख्याल है उसमें कुछ चेंज उसको ना दिख रहा है, चेंज कर देते हैं, अब आ गया, सही है, वो थोड़ी सी चेंजेस कर दी मैंने तो फिर आया वो। तो मैं करूँगा गिट ऐड और माई फाइल डॉट एम डी, तो सिर्फ यही वाली फ़ाइल ऐड होगी, कोई और नहीं होगी, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे हम सारी फाइलों को ऐड कर रहे होते हैं। वेल, अगर हो सकता है कि दो लोग काम कर रहे हैं एक ही कोड बेस पे, या कुछ आपने ऐसा कोई एक फ़ाइल बनाई है जिसमें रफ़ वर्क किया हुआ है आपने, कोई आप चाहते हैं वो ना पुश हो, तो आप फिर एक एक करके जितनी फाइलें हैं ना उसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा, गिट ऐड के साथ साथ गिट रिमूव भी है, आप सारे को एक साथ ऐड करके किसी एक को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गिट इग्नोर की भी एक फ़ाइल बनती है, वो अभी हम नहीं पढ़ते, वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कि गिट इग्नोर की फ़ाइल जो है ना वो क्या कर रही होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। गिट याद रखें कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत मैंडेटरी चीज़ है, इसी बात के साथ मैं ख़त्म करूँगा क्लास को, कि जी गिट ना कोई भी बंदे के लिए आप काम करेंगे जब, चाहे वो फ्रीलांस हो, चाहे वो जॉब पे आप जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, अभी फ्रीलांस में कोई प्रोजेक्ट पकड़ेंगे वो गिट की रिपोजिटरी दे देगा कि जी ये कोड है एग्जिस्टिंग, इस पे काम करना है आपने। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि कोई टेलर है और वो कह रहा है यार मुझे मशीन सिलाई मशीन चलानी नहीं आती है ना, तो आपने अगर किसी को ये बोल दिया ना कि मुझे गिट नहीं आता, तो वो बोलेगा, वो डेवलपर ही नहीं होंगे फिर आप सिरे से। कोई अगर दर्जी कह दे कि मुझे सिलाई मशीन नहीं आती चलानी, तो वो उसको आप उसके दर्जी होने पे सवालिया निशान हो गया ना कि भाई तू कैसा दर्जी है। तो इसी तरह अगर आपने किसी को ये बोल दिया ना कि मुझे गिट नहीं आता, तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर होने पर ये सवालिया निशान है कि आप कौन सा डेवलपर हैं, आपको गिट क्यों नहीं आता। तो ये बिल्कुल बेसिक टूल है, ये आपको लाजमी आना चाहिए, एटलीस्ट इतना आना चाहिए जितना मैंने चला के आपको यहाँ पर दिखा दिया है।
कल कल नहीं परसों MWF में आपकी क्लासेस होती हैं, तो इंशाल्लाह वेनसडे को हम फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे यहीं पे दोबारा, ठीक है जी, चलें अल्लाह हाफिज़। जी जी क्वेश्चन हाँ हाँ मल्टीपल रिपोजिटरी की कोई लिमिट नहीं है इसमें, जितनी मर्जी बना सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं तुम ये कह रहे हो कि एक ही रिपोजिटरी को मैं अलग अलग जगह क्लोन कर लूँ, तुम यहाँ कह रहे हो यहाँ एक फाइल और बना दूँ मैं ऐसे? नहीं डिफरेंट लोकेशन पे नहीं, इस रिपोजिटरी के अंदर ही होगा जो भी होगा, यानी इस रिपोजिटरी का जो फोल्डर है ना यार, एक एक्चुअली है काइंड ऑफ एक फोल्डर है, तो इस रिपोजिटरी में आपने जो जो रखना है वो इस फोल्डर में ही रखना होगा, आपने अलग से नहीं रख सकते। हाँ हाँ 300 बनी हुई है ना रिपोजिटरीज में भी, तो वो बना सकते। वेल अच्छा ये तुम्हारे सवालात मैं समझ रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता ये हम ना क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स ये साथ साथ चलेगा हमारे, जो भी कोड लिखेंगे वो गिटहब में पुश करेंगे, आप भी करेंगे, तो ये वक्तन फवक्तन आपके अगर मज़ीद कोई सवाल अभी रह भी गए ना तो मसला नहीं है, ये कवर हो जाएंगे इन फ्यूचर ना, ये चलेगा पूरा आखिर तक चलेगा ये, ठीक है जी चलें।